कुछ हस्तियां एक अनमोल विचार के रूप में सदैव जीवित रहती हैं, जिनके जीवन मूल्य सदियों तक आम जन के जीवन को दीप्तिमान करते रहते हैं। ये हस्तियां अमर होती हैं। ऐसी एक हस्ती को समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सामाजिक बदलाव के वाहक। स्वागत आपका इस कार्यक्रम में, मैं हूं ममता चोपड़ा। भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने बूते समाज को बदलने की पूरी कोशिश की। समाज और देश की सेवा करते करते खुशी से मौत को भी गले लगा लिया। उन्हीं महापुरुषों में से एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, साथ की और ईमानदारी की मिसाल, जो जीवन भर राष्ट्र और जनता की सेवा करते रहे, जिनके महान बहुआयामी व्यक्तित्व में कुशल अर्थचिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता, लेखक और पत्रकार और संगठनकर्ता जैसी अनेक प्रतिभाएं छिपी हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का विचार देकर मानव के कल्याण का एक नया मार्ग समाज के सामने रखा, जिसकी प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ती चली गई। राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा जीवन सादगी, ईमानदारी और प्रेरणा की मिसाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र एक राजनेता नहीं थे, वे उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और मां का नाम रामप्यारी था। जब वे मात्र 2.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। 1924 में उनकी मां का भी निधन हो गया। छोटी सी उम्र में ही दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर खुद की देखभाल के साथ साथ अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा राजस्थान के सीकर में हासिल की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हासिल की। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि ममेरी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म यहीं इसी स्थान पर हुआ था और 7 साल की अवस्था में उनके माता पिता दोनों देहावसान हो गया। फिर वे मामा के यहाँ अजमेर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल में अजमेर बोर्ड से उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट प्रथम स्थान प्राप्त किया। दीनदयाल उपाध्याय ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। वे जीवन भर अविवाहित रहे। कानपुर में स्नातक करने के दौरान अपने मित्र बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल उपाध्याय के नाम के साथ पंडित शब्द जुड़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल कॉलेज के दिनों से ही वे धोती कुर्ता पहनते थे। ऐसे में एक बार जब वे एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने गए तो वहाँ मौजूद अन्य परीक्षार्थियों ने उनका पहनावा देखकर उन्हें पंडित जी कहकर बुलाना शुरू कर दिया और आगे चलकर उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायी उन्हें आदर और प्रेम से इसी नाम से पुकारने लगे। ये अलग बात है कि उन्होंने उस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरकारी नौकरी में चुने जाने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा को ही चुना। 1942 में प्रयाग से बीटी का कोर्स पूरा करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष पूरा किया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक होकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आ गए। अपनी कर्मठता से 3 वर्ष में ही 1945 में वे उत्तर प्रदेश प्रांत के सह प्रांत प्रचारक बन गए। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 सितंबर 1951 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक महीने बाद 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ के
प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना के साथ ही पंडित दीनदयाल का जीवन दो भागों में समर्पित हो गया, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा जनसंघ। भारतीय जनसंघ को देश की राजनीति में स्थापित करने में दीनदयाल उपाध्याय का नाम अग्रणी नेताओं में गिना जाता है। 1952 में उन्हें जनसंघ का महामंत्री नियुक्त किया गया। 1952 से 1967 तक लगातार वे जनसंघ की नीति निर्धारक और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वे पार्टी की नीति, रीति, संगठन, चुनाव, आंदोलन सबका संचालन करते रहे। दिसंबर 1967 में जनसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन कालीकट में हुआ। इसमें दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में हमेशा से शुचिता के समर्थक रहे। वे खुद कभी भी चुनावी अखाड़े में नहीं उतरना चाहते थे, लेकिन 1963 में हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें जीवन में पहली और आखिरी बार चुनाव लड़ना पड़ा। दरअसल 1963 में जौनपुर संसदीय सीट जनसंघ के सदस्य ब्रह्मजीत सिंह के निधन से खाली हो गया। कार्यकर्ताओं के दबाव और खासकर भाऊराव देवरस के आग्रह पर दीनदयाल उपाध्याय 1963 में जौनपुर लोकसभा से उपचुनाव लड़े। हालांकि दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने राजनीति के उच्च आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। जीवन भर राजनीतिक शुचिता और आदर्शवाद को साथ लेकर चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन संदिग्ध परिस्थितियों में 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन मानव मात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन दर्शन है। मानवीयता के उत्कर्ष की स्थापना यदि किसी राजनीतिक सिद्धांत में हो पाई है तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने भारत को देश से बहुत अधिक आगे बढ़कर एक राष्ट्र के रूप में और इसके निवासियों को नागरिक नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में माना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद को सैद्धांतिक रूप में नहीं बल्कि आस्था के रूप में स्वीकार किया। जिस समय पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद की अच्छाई और बुराई की बहस में उलझा हुआ था, उसी वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा दी। दरअसल एकात्म मानववाद भारतीय संस्कृति, विचार और दर्शन के बीच से ही उपजा है। पंडित दीनदयाल ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्होंने दुनिया के सामने कोई नया वाद रखा है। वे बार बार कहते रहे कि एकात्म मानववाद के जरिए वे भारत की सनातन संस्कृति की ही बात कर रहे हैं। उनका मानना था कि समाज का आधार संघर्ष नहीं, सहयोग है। इसके जरिए उन्होंने आम इंसान की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले 1964 में ग्वालियर में आयोजित भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में उन्होंने एकात्म मानववाद का विचार पेश किया। अगले ही साल 1965 में इसे स्वीकार कर लिया गया। इसी साल 22 से 25 अप्रैल तक पूना में आयोजित जनसंघ के अधिवेशन में उन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में विस्तार से बताया। वे अपना स्वयं का परिचय ऐसा करवाते थे कि मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूँ। अतः उनकी यह इच्छा और मिशन था कि भारत की राजनीति में भारतीय संस्कृति प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तो संस्कृति प्रतिबिंबित हुई तो संस्कृति का विचार क्या है, तो उन्होंने भारतीय विचार को तात्कालीन राजनीतिक दृष्टि से जो नाम दिया वह था एकात्म मानववाद। तो वे एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। दरअसल पूंजीवाद ने जहां मानव को एक आर्थिक इकाई माना और साम्यवाद ने व्यक्ति को एक राजनीतिक और कार्मिक इकाई माना, वहीं इन सबसे अलग एकात्म मानववाद में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर मानवता को अपनाया गया है। एकात्म मानववाद इन सब इकाइयों में समाहित परस्पर पूरक संबंधों पर ज्यादा जोर देता है। एकात्म मानववाद के अनुसार व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, इसलिए शरीर पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए। इसके अनुसार मनुष्य का शरीर मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन है।
इसलिए मानव को समग्र रूप में देखना चाहिए और यही समग्रता उसे समाज के लिए उपयुक्त और उपयोगी बनाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये मानना था कि शरीर हमारे धर्म जीवन और सभी कार्यों और लक्ष्यों का साधन है। उनका मानना था कि भारतीय चिंतन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा का विचार ही एकात्म मानववाद में समाहित है और पूरे मानव का निर्माण करने वाले इन चार तत्वों में एकात्मता जरूरी है, क्योंकि यही एकात्मता मानव को कर्मठता की ओर प्रेरित कर उद्यमी बना सकती है, जिससे पूरे समाज का कल्याण होगा। दीनदयाल जी कहते हैं कि व्यक्ति और समाज परस्पर विरोधी नहीं है, यह तो एकात्म है। व्यक्ति और समाज को बांटा नहीं जा सकता। जो इकाई बंटने लायक नहीं होती वह एकात्म होती है। और दीनदयाल जी कहते हैं मानव केवल व्यक्ति और समाज भी नहीं है, वस्तुतः व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। और उन्होंने कहा भारत न व्यक्तिवादी है, भारत न समाजवादी है, परंतु भारत एकात्मवादी है। दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि भारत को चलाने के लिए भारतीय दर्शन ही सबसे सही है, चाहे राजनीति का सवाल हो या अर्थव्यवस्था का या फिर समाज का। भारतीय अर्थनीति के स्वरूप और विकास को भी उन्होंने इसी दृष्टि से देखा। अपनी लेख भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा में उन्होंने लिखा है कि शासन का उद्देश्य अंत्योदय की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। उनका मानना था कि शासन को व्यापार नहीं करना चाहिए और व्यापारी के हाथ में शासन नहीं आना चाहिए। आजादी के बाद से ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आज सबका साथ सबका विकास जैसा नारा भी उन्हीं की अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा पर ही आधारित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा विकेंद्रीकृत व्यवस्था के पक्षधर रहे। वे तमाम सामाजिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मेहनतकश लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए राज्य पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। शिक्षा के सरकारीकरण के भी वो हमेशा ही विरोधी रहे। वे मानते थे कि शिक्षा देने का काम सरकार के हाथों में नहीं दिया जा सकता, यह काम समाज पर छोड़ा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि सरकार उन्हीं क्षेत्रों में उतरे और काम करे जिन क्षेत्रों में समाज या निजी क्षेत्र जोखिम नहीं लेते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मत था कि आर्थिक और राजनीतिक ताकत का एक जगह जमा होना लोकतंत्र के खिलाफ है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद महज एक वैचारिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि इसमें राजनीति, समाज नीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा, लोक नीति पर व्यापक और व्यावहारिक नीति निर्देश भी शामिल थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व के कई अनोखे पहलू थे। गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक तो वे थे ही, साथ ही एक प्रखर पत्रकार और उतने ही संजीदा लेखक भी थे। वे समाज के विषयों में हस्तक्षेप करने के लिए कई तरीकों से अपने विचारों को रखते थे। सामाजिक विचारक के तौर पर, अर्थशास्त्री के तौर पर, शिक्षाविद की भूमिका में, बतौर राजनेता या वक्ता, लेखक और पत्रकार, उन्होंने हर भूमिका में समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों में मजबूत पकड़ रखने के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उस दौर में पत्रकारिता को अपनाया जब पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी। खासकर स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की राह चुनना बेहद मुश्किल फैसला माना जाता था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय के मन में कोई दुविधा नहीं थी।
वो जानते थे कि देश को आजाद कराने और एक नए भारत के निर्माण के लिए अपने विचारों को लेखन के जरिए जनता के बीच ले जाना होगा। बतौर पत्रकार वो सबकी नजर में तब आए जब लखनऊ से 1947 में राष्ट्रधर्म का प्रकाशन शुरू हुआ। भारत बंटवारे के बाद उन्हें इस मासिक पत्रिका के प्रकाशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रधर्म में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम बतौर संपादक तो नहीं छपता था, लेकिन हर कोई राष्ट्रवाद पर उनकी धारदार लेखनी और विचारों की छाप आसानी से देख सकता था। पंडित जी के पास पत्रकारिता की कोई औपचारिक पढ़ाई या अनुभव नहीं था, लिहाजा उन्होंने राष्ट्रधर्म से ही पत्रकारिता और संपादन के गुर न सिर्फ सीखे बल्कि उस दौर के कई महत्वपूर्ण लोगों को प्रेरणा भी दी। बाद में साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश भी छपने लगे, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को संपादक की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय से शुरुआती दौर में काफी कुछ सीखा था। बाद में दीनदयाल उपाध्याय राजनीति के क्षेत्र में चले गए, लेकिन उन्होंने अपने लेखों के जरिए जनता से संवाद बनाए रखा। दीनदयाल जी ने संपूर्ण मानवता के लिए बातें कही है। आज विश्व में प्रचलित राष्ट्र राज्यवाद ये मानव के लिए हितकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कल्चरल नेशनलिज्म इसको अपनाना चाहिए। जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं वह एक अधूरी चीज़ है, इसलिए वो कहते हैं अर्थायाम को स्वीकार करना चाहिए। हमने सभी पश्चिमी व्यवस्थाओं को स्वीकार किया हुआ है, इसलिए वे भारतीयकरण के प्रवक्ता हैं। पांच जन्य में उनके लेख लगातार छपते थे, वहीं साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर में भी उनका नियमित कॉलम छपता था। इस कॉलम का नाम था पॉलिटिकल डायरी। उनके लेखों को पढ़कर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नेहरू काल की तमाम नीतियों के प्रखर आलोचक होने के बावजूद उनकी भाषा में उच्च कोटि का संयम और संतुलन रहता था। दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता से कई लोगों को पत्रकारिता को मिशन के रूप में अपनाने की प्रेरणा मिली। उनकी सोच थी कि पत्रकार समाज का मार्गदर्शन करे और समाज के सामने नया विचार पेश करे। पांच जन्य में उनके स्तंभ विचार वीथी में हमेशा उनका प्रयास एक नया और संतुलित विचार देने का रहा। अपने लेखों में वो सरकार के प्रति नरम दृष्टिकोण कतई नहीं रखते थे, लेकिन उनकी भाषा सौम्य और बातों में सच्चाई और दृढ़ता रहती थी। उनका मत था कि पत्रकार को केवल और केवल सत्य ही लिखना चाहिए। वो पत्रकारिता को राजनेताओं के इर्द गिर्द समेटने का भी विरोध करते थे। उनका मानना था कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में साहित्य संस्कृति और धर्म लेकर समाज के हर आयाम समाहित हों। कितने ही दशक बीत गए हैं, सदी बदल गई है, परंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पत्रकारिता साहित्य और राजनीति के जरिए समाज के जिस ताने बाने को सामने रखा वो आज भी प्रासंगिक है। दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारों के विकल्प के रूप में एकात्म मानववाद का दर्शन रखा था। उनके इस दर्शन में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की एक ऐसी राह का पक्ष है जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो मौजूद हों, लेकिन उनके अतिरेक और अलगाव जैसी बातें न हों। भारतीय समाज की संरचना को देखते हुए उनका यह सिद्धांत आज भी समाज के लिए व्यवहारिक लगता है। पत्रकारिता के अपने काल में दीनदयाल उपाध्याय ने भाषा के जिस संयम पर जोर दिया उसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज के दौर में महसूस होती है। दीनदयाल उपाध्याय ने सत्ता के विरोध का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उनके विरोधी भी इस बात को महसूस करते थे कि जिस संतुलन और सौम्यता से दीनदयाल उपाध्याय आलोचना करते थे वो उच्च कोटि की होने के साथ साथ आत्मचिंतन करने को भी बाध्य करती थी। दीनदयाल उपाध्याय की राजनीति का अनोखा अंदाज भी आज के दौर के राजनेताओं को सीख देता है। उन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता का अखाड़ा बनाने का हमेशा विरोध किया। वो राजनीति में आदर्श और विचारधारा के पुरजोर समर्थक थे। अपने साहित्य के जरिए उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास को भी दुनिया के सामने रखा। दरअसल उनकी सोच थी कि साहित्य के जरिए राष्ट्रीय सरोकारों को महत्व दिया जाए।
1946 में उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त की जीवन पर आधारित किताब सम्राट चंद्रगुप्त लिखी। एक ही रात में लिखी ये किताब इतनी लोकप्रिय हुई कि इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसी तरह आदि गुरु शंकराचार्य की जीवनी भी उन्होंने रेल यात्रा के दौरान बेहद कम समय में लिख डाली। सामाजिक जीवन में रहते हुए भी समय निकालकर समाज के हित में साहित्य सृजन की उनकी कला आज भी साहित्य कर्मियों के लिए एक मिसाल है। देश की नीतियों और अर्थ जगत पर भी उनकी गहरी नजर थी। उनका मानना था कि सत्ता पक्ष की हर नीति की मंजिल देश की अंतिम पंक्ति में खड़ा नागरिक हो। अंत्योदय की ये सोच आज भी देश की नीति नियंताओं के लिए प्रेरणादायी और प्रासंगिक है। उन्होंने द टू प्लान्स पुस्तक के जरिए विदेशों से आयातित अर्थनीति का जमकर विरोध किया तो भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा की रचना कर भारत की अनुकूल अर्थनीति का स्वरूप पेश किया। उनके जीवन का जो दर्शन है वो अंत्योदय ग्राम विकास के अंतर्गत दिखाई देता है। उस अंत्योदय के दर्शन में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा और स्त्री वर्ग के उत्थान का एक सुनहला स्वप्न उन्होंने बुना था। दीनदयाल जी कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो शब्द पर्याप्त है, एक है स्वदेशी और दूसरा है विकेंद्रीकरण। और इसके लिए उन्होंने एक परिकल्पना दी है आर्थिक लोकतंत्र की, जिसका अर्थ होता है कि जिस तरह से राजनैतिक लोकतंत्र का निकष यानी पैमाना, राजनैतिक लोकतंत्र का निकष हर वयस्क को मताधिकार है, वैसे ही आर्थिक लोकतंत्र का निकष हर वयस्क को कार्यावसर है। इस तरह राजनीति हो, साहित्य हो, अर्थव्यवस्था हो या मानव कल्याण की बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हर विषय पर अपने विचार रखे और उनके आधार पर भविष्य का जो खाका पेश किया वो आज भी अहमियत रखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय समग्र जीवन के प्रवक्ता हैं, किसी एक हिस्से की बात नहीं करते हैं और ये भारत की विशेषता है। आज भी भारत की परिवार संस्था, भारत की विवाह संस्था, भारत की ग्राम संस्था, ये एकात्मता का प्रतिनिधित्व करती है। हमें इनको समझकर अपनी राजनीति और अर्थनीति बुननी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, जो ताउम्र अपने सिद्धांतों पर चलते हुए मानव कल्याण और देश के उत्थान में जुटे रहे। कितना अद्भुत, कितना प्रेरणादायक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व और कितने दूरंदेशी हैं उनके विचार, जिन्हें आत्मसात कर मानवता के कल्याण के प्रति एक छोटा सा प्रयास यदि हम सब भी कर सकें तो ये उनके प्रति होगी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। नमस्कार।